नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरी विशेषता घुटने व कंधे की बीमारी व स्पोर्ट्स इंजुरी में है मैं मैंने अपनी विशेषज्ञता ली है ऑर्थोस्कोपिक मतलब दूरबीन पद्धति द्वारा सर्जरी व जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब जोड़ प्रत्यारोपण में मैं भोपाल में गैलेक्सी हॉस्पिटल जो कि कोलार रोड पर है उसमें कार्यरत हूँ ये हॉस्पिटल डेडिकेटेड हॉस्पिटल है नी के सारी सर्जरीज के लिए नमस्कार मैं डॉक्टर एस के गुप्ता आइए आज जानते हैं जब औरथ्रोस्कोपी द्वारा ए सी किया जाता है तो उस सर्जरी के बाद क्या फिजोथेरेपी प्रोटोकॉल क्या मोबिलाइजेशन प्रोटोकॉल रहता है और कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेस की जाती है सबसे पहली एक्सरसाइज जो लिगामेंट सर्जरी के बाद अगले दिन हम शुरू करते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉड्रिसप्स एक्सरसाइजेस ये एक्सरसाइज करना बहुत ही सिंपल है जिसमें आप ये देखेंगे ये घुटने की कटोरी है थाई बोन लेग बोन मतलब जान की हड्डी पैर की हड्डी और उसके ऊपर ये पटेला या नी कैप है पटेला को अटैच होती है ये मसल्स जिसको हम क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं इसी मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करने की एक्सरसाइज को आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसके लिए हम पेशेंट को ट्रेन करते हैं कि ये जो कटोरी है इसकी मसल्स को थाई से जब हम टाइट करेंगे तो ये मसल के विजिबल कॉन्ट्रैक्शन दिखेंगे टाइट करें अब आप देख पा रहे हैं कि ये कटोरी ऊपर मूव कर रही है और ये मसल्स टाइट है और साथ में जो सबसे ज़रूरी मसल है इस तरफ की टाइट करें ये मसल तो ये दोनों ही मसल्स अच्छे से टाइट हो रही है इसका मतलब मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन्स आ रहे हैं ढीला छोड़िए ढीला छोड़ दीजिए पैर को फिर टाइट कीजिए आप देख पा रहे हैं ढीला छोड़िए टाइट कीजिए आप देख पा रहे हैं किस तरह से कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं ढीला छोड़िए और आप साथ साथ कटोरी का मूवमेंट भी देख पा रहे हैं टाइट कीजिए ढीला छोड़िए तो आप एक्सरसाइज किस तरह से करते हैं ये हमने आपको बताया कि कॉन्ट्रेक्शन कैसे होते हैं पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं कि इसको टाइट करके होल्ड करके रखना है टाइट कीजिए होल्ड करके रखिए काउंट करना शुरू करेंगे एक से लेकर पंद्रह तक One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, फिर कर आप हर बार देख रहे हैं कि टेन के काउंटिंग में मसल्स उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टेड रहना चाहिए ये हमने अभी दो बार किया ऐसे दस सेट्स होने चाहिए मतलब हर बार आपको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है दस तक काउंट करना है फिर ढीला छोड़ना है फिर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है टेन सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है या काउंट करना है फिर ढीला छोड़ना है तो इस तरह के दस सेट्स ऑफ एक्सरसाइज दिन में कम से कम तीन बार करना होता है यह है पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज जो बेसिक एक्सरसाइज होती है घुटने का हम बेंडिंग शुरू करते हैं पहले दिन पेशेंट को दर्द होता है इसलिए पहले कुछ दिनों के लिए एक हफ्ता दस दिन के लिए जो मूवमेंट्स किए जाते हैं वो जीरो टू फोर्टी या जीरो टू सिक्सटी डिग्री तक के किए जाते हैं पेशेंट बिना सपोर्ट के हील को स्लाइड करता है स्लाइड करें सीधा करें स्लाइड करें ये नी रेंज ऑफ मोशन या नी बेंडिंग एक्सरसाइजेज है तीसरी एक्सर जो हम करवाते हैं पंजे को अपनी तरफ ऊपर खींचना रोक के रखना और फिर ढीला कर देना ऊपर खींचना रोक के रखना और ढीला करना ये थर्ड एक्सरसाइज है फोर्थ एक्सरसाइज जो करवाते हैं उसको हम एक्टिव एस बोलते हैं जिसमें पेशेंट को पैर उठाने के लिए बोलते हैं लेकिन ये पेशेंट का पैर मुड़ना नहीं चाहिए पेशेंट का सीधा रहना चाहिए शुरू में दर्द होने पे हाथ से हम सपोर्ट देते हैं जिसको सपोर्टेड एक्टिव एस कहा जाता है छोटी ढीला ऊपर उठाइए तो जब तक पेशेंट्स के अच्छे से मसल कॉन्ट्रैक्शन से स्ट्रेंथ ना आ जाए शुरू में हम ये एक्सरसाइजेस सपोर्ट के साथ कराते हैं ये फिफ्थ एक्सरसाइज़ कराते हैं। एंकल के नीचे एक पिलो फोल्ड करके रखते हैं इस तरह से ये इससे आप देखेंगे कि जैसे ही हम एंकल को प्रेस कर रहे हैं घुटने सीधा हो रहा है घुटना स्ट्रेट हो रहा है ये सबसे जरूरी है एसीएल लिगामेंट की सर्जरी के बाद इस चीज पे ध्यान देना कि घुटना पूरा सीधा रहना चाहिए घुटना इस पोजीशन में मुड़ा हुआ ना रहे जो लास्ट एक्सरसाइज शुरू के 10 दिनों तक टाके निकलने के पहले करवाई जाती है ये लास्ट एक्सरसाइज है इसी पिल्लो को घुटने के नीचे रख के पिल्लों को जोर से दबाना होता है और ढीला छोड़ना होता है नीचे दबाना होता है और ढीला छोड़ना होता है ये एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो शुरू के 10 से 12 दिन हम करते हैं दस से बारह दिन के बाद जब स्टिचेस निकालते हैं तो हमारा फेस टू शुरू होता है एक्सरसाइजिस का सर्जरी के अगले दिन आपको चलाना शुरू करते हैं एक वॉकर का इस्तेमाल के साथ यदि सिर्फ लिगामेंट अकेला टूटा है तो पैर पे आप हल्का हल्का वजन रख के अगले दिन से चलना शुरू कर सकते हैं वॉकर का इस्तेमाल तकरीबन दो हफ्तों तक किया जाता है लेकिन आप यदि तीन से चार दिन में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वॉकर जल्दी छुड़वा देते हैं यदि ए के साथ मेनेस्कस भी टूटा हुआ है और मेनेस्कस को यदि रिपेयर किया गया है तो वॉकर का इस्तेमाल लगभग लगभग तीन हफ्ते तक करना पड़ेगा और तीन हफ्ते तक पैर पे वज़न नहीं दे सकते हैं यदि सिर्फ लिगामेंट यानी कि ए लिगामेंट का यदि सर्जरी हुआ है तो एक लॉन्ग नी ब्रेस जो कि थाई से लेके लेग तक रहता है उसका इस्तेमाल तीन हफ्ते के लिए करना होता है तीन हफ्ते के बाद वो नी ब्रेस निकाल के छोटा हिंज नी कैप लगाना होता है जब अगले दिन आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो लॉन्ग नी ब्रेस को बीच बीच में निकाल के कुछ एक्सरसाइजेस शुरू करवाते हैं